नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम इसको रिपेयर करना सीखेंगे। ये थर्मोस्टेट है गीजर में लगने वाला। दोस्तों इसकी एक खासियत है कि ये ऑटोकट और थर्मोस्टेट दोनों काम करता है। दोनों फंक्शन इसी एक ही डिवाइस में होते हैं। यह दोनों तरफ से काम करता है। आप इसमें देखेंगे कि जैसे ये थर्मोस्टेट अगर ऑटोकट हो जाता है तो ये दोबारा से इसको रीसेट करना पड़ता है, और अगर इसका थर्मल कट होता है तो अपने आप रीसेट हो जाता है। तो दोस्तों जब ये ऑटो कट हो जाता है यानी कि कट ऑफ हो जाता है तो इसमें एक पॉइंट होता है, इसको जैसे आप दबाएंगे तो ये दोबारा से रीसेट हो जाएगा और इसको दोबारा से आप यूज में ले सकते हैं, और इसका थर्मोस्टेट काम करता है। दोस्तों कोई भी थर्मोस्टेट हो उसको चेक कैसे करें, वर्किंग सही कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके लिए देखिए दोस्तों सीरीज में एक टेस्टिंग बत्ती बनी हुई है, बैटरी से बनी हुई है। इसमें जैसे दोनों पिनों को शॉर्ट करते हैं तो LED जलती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको थर्मोस्टेट को मिनिमम पे सेट कर देते हैं, यानी मिनिमम पे ऑन कर देते हैं, और इसकी जो दोनों टर्मिनल है उस पर इसको लगा के देखते हैं तो हमारी LED ग्लो करती है। इसका मतलब है कि थर्मोस्टेट ऑन। चलिए हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों ये LED चालू बंद हो रही है, इसका मतलब ये काम कर रही है। अगर ये काम नहीं करती तो आप इसको थोड़ा ज़ोर से दबाइएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर से ये ऑन होती है। अब हम इसके साथ एक और प्रैक्टिकल करेंगे ताकि आप इसको दोबारा में यूज में ले सकें। तो उसके लिए हम इसको पहले सेट करेंगे मिनिमम टेम्परेचर पे, और हमारी LED देखिए ऑन है, और जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे यानी कि ये ओवर हीट हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाना चाहिए। इसको हम आगे से गर्म करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो ब्लेड लगी हुई होती है वो आगे से जल्दी गर्म होती है। देखिए दोस्तों हम थोड़ी देर इसको गर्म करेंगे माचिस की सहायता से तो ये ऑफ हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों ऑफ हो चुका है, और थोड़ी देर बाद इसको आप हवा में रखेंगे या फिर इस पर पानी डालेंगे तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों थोड़ी देर आप इसको ऐसे ही हवा में रखेंगे तो जैसे टेम्परेचर डाउन होगा तो ये ऑटोमेटिक वापस ऑन हो जाएगा थोड़ी देर बाद में। तो दोस्तों ये किसी भी थर्मोस्टेट को आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, माचिस की सहायता से गर्म करके उसका ऑन ऑफ ऑटो कट देख सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।